वेलकम टू माई चैनल रबूहाज विजन। आज मैं हम लोग ये सोचते हैं कि आजकल बच्चों को लग्जरीज ऑफ लाइफ दे देने से उनकी तरबियत का अमल भी पूरा हो जाता है, और बच्चे आजकल के इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हुए हैं कि पेरेंट्स के पास भी और बच्चों के पास भी उस तरह से टाइम नहीं है कि उनको बिठा कर कोई नसीहत की जाए या उनको कोई चीज समझाई जाए। तो हम इसके लिए ये चीज कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह से बना ली जाए, अपनी दिन की रूटीन इस तरह से सेट कर ली जाए कि उनको वो तरबियत का उन पे प्रेशर ना हो कि पेरेंट्स बार बार किसी चीज को बोल रहे हैं या मुझ पे कोई चीज इम्पोज की जा रही है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो तकरीर से और नसीहत से नहीं सीखते हैं, वो करते हैं जो आपको देखते हैं करते हुए, वो चीज को जल्दी उनका रुझान उस चीज पे होता है। और हमारे मजहब में भी है कि पैदा होने से लेके 7 साल तक की उम्र जो होती है वो बच्चे की बादशाहत की उम्र होती है। तो बजाय इस पे कि आप उस पे किसी चीज का प्रेशर डालें, उसको इजी माहौल में, रिलैक्स माहौल में इस तरह से उनको उसको चीजें समझाई जाएं कि उसको वो तरबियत उस तरह लगे ना कि मेरे पेरेंट्स या मुझ पर कुछ जबरदस्ती की जाए। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने मिसेस आदिल को इनवाइट किया है कि वो उनका क्योंकि माशाल्लाह 22 साल का तजर्बा है, प्री स्कूल की टीचर रही हैं, वो छोटे बच्चों के साथ उनका बहुत तजर्बा है। तो मैंने कहा कि आप क्या समझती हैं, कुछ छोटे से हमें टिप्स और ट्रिक्स दें इस सिलसिले में। तो आइए मिलते हैं मिसेस आदिल से। आजकल के दौर में जहाँ हर चीज़ की फरावानी है वहाँ कमी है तो एक वक्त की। वक्त ऐसे भागा जा रहा है कि किसी को मिलता ही नहीं। बच्चों की तरबियत के लिए भी बाज़ूकार टाइम नहीं मिलता, इतनी गहमा गहमी और मसरूफियत है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है मेरे पास, अगर आप उसको आजमा लें तो मेरा ख्याल है कि ये मसला भी हल हो सकता है किसी हद तक, कि बाकी काम भी जारी रहे और साथ साथ बच्चों की तरबियत भी हो जाए। उसके लिए उन्हें कोई ख़ास आप लेके ना बैठें, चलते फिरते हर काम करते हुए उनकी साथ साथ तरबियत होती रहे। जैसे कि सुबह आप उठे तो आवाज़ ज़रा ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करें, ख़ा वो कोई छोटा है ख़ा बड़ा है। तो सलाम करेंगे तो बच्चे भी यकीनन उसकी तकलीद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत में भी ये चीज़ आती रहेगी, उन्हें पता चल जाएगा कि सुबह उठ के सबसे पहले सलाम करना है सबको। इसमें कोई तख़सीस नहीं, कोई छोटा है या बड़ा है, सबको सलाम करना है। उसके बाद वो वॉशरूम से फारग हो जाए और जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आए तो यहाँ से फिर उनकी तरबियत बड़े आराम से हो सकती है। जब वो बैठे तो उन्हें बताया जाए कि आपने खाना खाने से जो भी आप चीज़ ले रहे हैं बिस्मिल्लाह करके लेंगे आप, और सबसे पहले बड़ों को ऑफर की जाएगी कि भाई जो भी बड़े हैं वहाँ पे टेबल पे, सबसे पहले उनको कहा जाएगा कि आप ले लें। उसके बाद जब आपकी बारी आए तो आपने भी बड़े आराम से उतना खाना निकालना है जितना आप खा सकते हैं। अगर ज़्यादा भी आपको तमन्ना है खाने की तो उसके लिए ये है कि आप 2-3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार में आप प्लेट नहीं भरेंगे। तो ये आप साथ साथ बच्चों को बता सकती हैं। और ये कि अपने सामने से खाएंगे, बिस्मिल्लाह करके खाएंगे और बड़ों का लिहाज रखते हुए कि भाई उनके सामने से अगर चीज़ उठानी है तो उचक उचक के नहीं लेंगे, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें वो फ़लाँ चीज़ जो है वो हमें दे दीजिए। तो इस तरह फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा नज़्मो ज़ब्त भी कायम रहेगा और बच्चे जो हैं वो सीख भी जाएंगे कि पहले बड़ों को चीज़ देनी है और अगर कुछ लेना है तो बड़ों से मांग के लेना है। तो जब बच्चे खा के फारिग हो जाएं तो उन्हें आप बताइए कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, वो आप कहेंगी तो आपके पीछे कहेंगे वो भी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाएंगी और बिल्कुल उनको फिर ये महसूस नहीं होगा कि आप उन्हें बाकायदा सिखा रही हैं। तो गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें उनकी शख्सियत में शामिल होती जाएंगी। इसी तरह जब वो कपड़े चेंज करने लगें तो आप उन्हें बता सकती हैं कि पहले आप ट्राउज़र पहने तो पहले दायां पांव जो है उसमें डालें, और जब उतारना हो तो पहले बायां पांव जो है वो निकालें। इसी तरह शर्ट भी जब पहन रहे हो तो पहले बायां दायां बाजू पहने और फिर बायां,
और उतारते पहले बायां बाजू निकालें फिर दायां, इसी तरह फिर अब जूता पहने, बंद जूता हो तो उसे झाड़ लें और झाड़ के पहले दायां पाँव पहने फिर बायां पहने, और बस इसी तरह जब बच्चों को साथ साथ आप बताते जाएंगे तो उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि आप उन्हें कोई चीज़ सिखा रहे हैं, वो ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये उन्हें करना ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं ये बच्चों में आती जाएंगी, जो जो आप करेंगे तो उनकी ज़ात का हिस्सा बनती चली जाएंगी। फिर जब रात का टाइम आए बिस्तर पे बच्चे जाएं तो उन्हें पहले वॉशरूम से फारग कराएं, कुल्ली करें, वो दांत साफ़ करें, और बिस्तर पे जब आ जाएं तो उन्हें आप छोटी छोटी कोई कहानियाँ सुनाएं सबक का मोज, और छोटी छोटी सूरतें याद कराएं उन्हें, और अपने दिन के बारे में उन्हें बताएं। दिन भर का अगर बच्चों के साथ कोई बच्चों ने कोई चीज़ सीखी है उनसे पूछें कि आपका दिन कैसा गुजरा, तो उसमें से कोई अच्छी चीज़ें जो उस पर बच्चों को अप्रिशिएट करें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें फिर आप समझाएं कि आइंदा वो ऐसा ना करें। तो इसी तरह फिर बच्चे जो हैं जब सोने लगे उन्हें खुदा हाफिज़ कहें, और इस तरह फिर वो भी सीख जाएंगे कि सोते वक्त खुदा हाफिज़ कहना है। तो इस तरह दिन का आगाज़ और इख्तिताम करें, मेरा ख्याल है कि आपको भी महसूस नहीं होगा कि आप ख़ास तौर पे बच्चों को लेके बैठी हैं, ना ही बच्चों को लगेगा कि उन्हें कुछ ख़ास तौर पे सिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ें उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी।